असलकम डियर स्टूडेंट्स कैसे आप सब बेटा आई होप बेटा आप सब खैरत से होंगे आज साइकालोजी का पेपर था लेकिन बहुत सारे बच्चों ने यार एक भी कमेंट नहीं किया बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया था बहुत सारे बच्चों ने इससे पहले बहुत कमेंट किए सर हमारा पेपर जल्दी से सिलेबस जो है जल्दी से कम्प्लीट करके दो लेकिन आप लोगों ने पेपर भी दिया मैंने पेपर भी रिसीव किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पेपर आया था अब आप देख सकते हो कि जो हमने पढ़ा था वही आया कि नहीं आया ठीक है लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा तो वो यहाँ पे हम दूर करेंगे इनशाला वो सारे क्वेश्चनज़ हमने किए पहला क्वेश्चन सेक्शन में आप देख सकते हैं व्हाट इज़ एथिक्स पढ़ा है एथिकल प्रिंसिपल राइट नंबर सेकंड व्हाट इज़ मेट बाय काउंसलिंग ये भी किया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ज मैंड बाई द टर्म काउंसलिंग ये काउंसलिंग साइकोलॉजी ये भी हमने पढ़ा है वैन द म्यूजिक डे इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया ये वाला पॉइंट हमने नहीं पढ़ा वट इज़ मेडिटेशन ये भी पढ़ा है मार्शल काउंसलिंग थोड़ा बहुत हमने कल के वीडियो में भी हमने पढ़ा था एंड हो कैन कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग विलियमसन ये भी हमने पढ़ा था अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर देखे होंगे एंड नेक्स्ट पॉइंट आप द सेक्शन बी में अगर आप देखेंगे इम्पॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ काउंसलर अरे यार अगर आप काउंसलिंग सारा पढ़ते हो तो मैंने वार्म एक्सेप्टेंस राइट रैप वो बिल्डिंग ये सारी चीज़ तो हमने आपके साथ डिस्कस की थी मेन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग लिखने थे यहाँ पे यहाँ पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग कारल रॉजर्स का कॉन्सेप्ट है ना वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग ठीक है ये वाला आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं था शायद हमने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर बट वाट लेकिन पेपर बहुत ईजी आया था और हाँ जो लास्ट टॉपिक हमारा था कैरियर काउंसलिंग सेंटर आपको कैरियर काउंसलिंग जो भी था वो आपको यहाँ पे लिखना था ठीक है राइट शॉर्ट वोट ऑन कैरियर काउंसलिंग या साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी कैरियर काउंसलिंग पे यार आपको टॉपिक लिखना था ठीक प्ले भी पढ़ा था योगा भी पढ़ा था अब देखिए नाइन्टी परसेंट पेपर हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था नाइन्टी क्या आई थिंक नाइन्टी फाइव परसेंट आर्ट थेरेपी बिकम्स एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फॉर पेशेंट इज डिस्कस आपको आर्ट थेरेपी सारा लिखना था इसमें और जो भी मैंने स्टेप्स बताए थे या बेनिफिट्स बताए थे वो सब कुछ आपको डिस्कस करना था डायरेक्टिव प्रिंस काउंसलिंग विद स्टेप जो भी मैंने uh, काउंसलिंग के स्टेप्स आपको बताए थे वो सारे डायरेक्टिव हाँ ये हमने पढ़ा था बहुत यार ईजी पेपर था बहुत ईजी पेपर था बट 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 किसी ने भी यार कमेंट नहीं किया देखो ये डिफरेंस है साइकोलॉजी स्टूडेंट्स की और एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स की जब एजुकेशन का पेपर था तो बहुत ज़्यादा मैसेज मुझे मिले थे सर थैंक्स टू तो ऑल अल्लाह सर पेपर बहुत अच्छा हुआ लेकिन आप में से किसी ने यार एक भी कमेंट नहीं किया एनी वेज बेटा सिटल देन माई बेस्ट विशेज़ और ऑलवेज़ विद यू आई होप बेटा आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा इन शाला तो ऐसे वैसे तो पेपर उतना ज़्यादा टफ नहीं आया था तो जो भी हमने पढ़ा था सारे सारे विद विदिन द कॉन्टेक्सट हैं यानी कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है तो कैरियर काउंसलिंग काउंसलिंग प्रोसेस एंड डिसवेंटेजेस जा रही है कितना इजी पेपर था है ना इफ़ रियली इट वाज इजी तो ये सब मुझे तब पता चलेगा यार जब आप मुझे कमेंट करोगे ठीक है थैंक यू मैला ब्लेस यू और हाँ और एक पेपर मुझे मिला जस्ट देखो मेंटल हेल्थ एंड वेल वेलबींग क्या पेपर है बढ़िया देखिए डिफाइन द टर्म हेल्थ साइकोलॉजी वट इज़ मेड बाई इमोशंस वॉट डू यू मीन बाई स्ट्रस डिस्ट्रैक्शन टर्म गाइडेंस वेल बींग इम्बेलेंसड डाइट नेम द डिजीज विच ऑकर ड्यू टू डिफ्रेंस या विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस ये आपको तो पता ही होना चाहिए ना तो सेक्शन ए तो बहुत बिल्कुल ईजी है काउंसिलिंग साइकोलॉजी से भी ईजी मुझे लगा कि ये वाला पेपर आया है नीड एंड एक्सपे हेल्थ साइकोलॉजी पढ़ा बेटा बहुत अच्छे से पढ़ा ब्रीफली डिस्कस एनी मॉडल ऑफ हेल्थ ओ माई गॉड वाओ आर टेंथ क्वेश्चन देखिए वट आर द फैक्टरबल फॉर इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस लेवल एमंगज ये भी पढ़ा राइट सम स्ट्रैटीज टू ओवरकम स्ट्रेस अरे यार स्ट्रैटजीज पढ़ने थे स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रैटजी लिखने थे जिससे हम अपना स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू कैन सी राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजस्टेड पर्सन इज वन क्वेश्चन अनदर इज राइट सम फैक्टर्स विच आर रेस्पांसिबल फॉर वेल बींग एम सोशल मेम्बर्स ये भी पढ़ा था एंड सेक्शन सी देखो बेटा डिस्कस इन डिटेल स्कोप नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी वेरी गड डिस्कस इन डिटेल द कंपोनेंट्स ऑफ वेल बींग वाओ वट डू यू मीन बाई सेफ्टी एंड वट आर इट्स मेरिटस ये वाला पॉइंट हमने नहीं पढ़ा था एंड लास्ट लास्ट पेन ओके दिस वॉज ऑल अबाउट टू डेज पेपर ओके आई विश यू ऑल द बेस्ट तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाउ वॉज द पेपर थैंक यू मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग